श्रोताओं नमस्कार, 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। तो मेरे विद्यार्थी भाइयों बहनों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है दृढ़ निश्चय। नहर का पानी एक पतले नाले से होकर खेत में पहुंचता था। उस नाले की ऊंचाई से नहर का जल लेवल नीचे आ गया था। उसके खेत में पानी पहुंच नहीं रहा था। फसल पकने को आ गई थी। उसे एक बार और पानी की सख्त आवश्यकता थी, नहीं तो फसल सूख जाती। किसान परेशान, वह अब दौड़ धूप प्रारंभ करता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि नहर में पानी फिर से बढ़ जाए। अधिकारी से पता करता है, उसे सांत्वना तो मिलती है कि पानी अभी और खोला जाना है, अभी पानी और बढ़ेगा और तुम्हारे खेत तक पानी पहुंच जाएगा। लेकिन उसे लगता है कि जब तक पानी खोला जाएगा, नहर में पानी बढ़ेगा और मेरे खेत तक पानी पहुंचेगा, तब तक हो सकता है कि मेरी फसल सूख जाए। वह जैसे दैनिक रूटीन पर अपने खेत में काम करने आता था, वैसे ही आ रहा है। अभी जितना काम वह कर सकता है उतना तो वह कर ही रहा है, लेकिन उसे लगता है कि उतनी ही मेहनत यदि मैं इस नाले की सफाई के लिए कर दूं तो पानी मेरे खेत तक पहुंच जाएगा और फसल सूखने से बच जाएगी। उस रात ऐसे ही घर पर सोया रहता है। तभी न जाने उसके मन में क्या आता है, वह सुबह उठता है और फावड़ा लेकर खेत पर चला जाता है। बढ़ पाएगा या नहर का पानी आने तक उसके खेत में फसल बच जाएगी। जब उसको लगता है कि नहीं, मेरा नुकसान होने जा रहा है, क्या मैं अगर ऐसा नहीं करता हूं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो क्या करता है, वो जिद कर लेता है, तय कर लेता है, ठान लेता है,
हट कर बैठता है कि नहीं, आज मैं नहर के पानी को अपने खेत तक पहुंचाकर ही सांस लूंगा। आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। मैं ये नहीं कहता कि सुबह का नाश्ता मत कीजिए, दोपहर का टिफिन भी मत खाइए, शाम का भोजन भी मत करिए। मेरा अभिप्राय आपसे यह कतई नहीं है, लेकिन मेरा यह अभिप्राय ज़रूर है कि आप भी उसी किसान की तरह हट करिए, जिद करिए, लग जाइए और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और हमारा प्रयत्न रहेगा कि ऐसे ही बहुमूल्य विचारों वाली कहानियां आपको सुनाएं। तो अपने भाई मदन गोपाल वैजापुर को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे और सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।